सीधा रुख कर लेते हैं विधानसभा का, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। महत्वपूर्ण अभिभाषण जैसे माननीय सदस्य डॉक्टर मंजू शिवाजी ने सदन में प्रस्तुत किया था और माननीय सदस्य से योगेंद्र उपाध्याय जी ने इसका अनुमोदन करते हुए नेता प्रतिपक्ष समेत सभी दलीय नेताओं के साथ ही इस सदन के 63 माननीय सदस्यों ने इस पूरी चर्चा में भाग लिया, अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिसमें 40 सदस्यों ने अभिभाषण के समर्थन में, 23 सदस्यों ने विपक्ष में, जिनमें 9 महिला सदस्यों ने पक्ष में और 3 महिला सदस्यों ने विपक्ष में भी इस पूरी चर्चा में प्रतिभाग किया। मैं इन सब के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। राज्यपाल, प्रदेश की व्यवस्था का संवैधानिक प्रमुख होता है, और ये परंपरा रही है कि विधानमंडल की कार्यवाही वर्ष में राज्यपाल जी के अभिभाषण से प्रारंभ हो और सत्र का शुभारंभ उसके साथ ही शुरू होता है, और इस पर पार्टी के माध्यम से ही महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण सदन में आता है। वह एक शासकीय दस्तावेज होता है जो सरकार की पिछली उपलब्धियों के साथ साथ भावी योजनाओं को भी सदन के माध्यम से प्रदेशवासियों के सामने प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण एक शासकीय दस्तावेज है, और इसलिए अपनी उपलब्धियों पर गौरव की अनुभूति होना और उन उपलब्धियों के माध्यम से हम प्रदेश की उपलब्धियों और भावी योजनाओं के बारे में बता सकें, उस संवैधानिक व्यवस्था के प्रति सम्मान भी व्यक्त कर सकें, इसका एक सशक्त माध्यम होता है। लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, लेकिन संवैधानिक मर्यादाओं के दायरे में रह करके। क्योंकि अगर संवैधानिक उन मर्यादाओं के गौरव की रक्षा इस सदन में बैठा हुआ मान्य सदस्य नहीं कर सकता, इसकी उम्मीद किसी और से नहीं की जा सकती है कि वह इसके गौरव और इसकी गरिमा की रक्षा कर सके। जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान को तार तार करने का कार्य वे लोग अक्सर जाने अनजाने में करते हुए दिखाई देते हैं, पहली बार नहीं हुआ है, और इस बार तो भी गनीमत थी, अन्यथा यहां पर प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख पर कागज के गोले फेंके जाते हैं और इसमें उनकी बहादुरी समझी जाती है। जिन लोगों ने संविधान को तार तार करके संविधान का गला घोंटने की समय समय पर शरारत की है, वे लोग संविधान की दुहाई देते हैं। जिन लोगों ने इसी सदन में विधायकों को चोटिल किया था, वे विधायकों के सम्मान की बात करते हैं। जिन लोगों ने तंदूर जैसी घटनाओं को अंजाम दिया था, वे महिला सशक्तिकरण की दुहाई देते हैं। और महोदय,
प्रदेश की बालिकाओं के साथ हुए बर्बर और अमानवीय कृत्य को, जिसमें जिन लोगों ने ये कहा था कि बच्चों से गलती हो जाती है, वे लोग यहां पर प्रदेश में महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चला करके अयोध्या की मान्यता को ही धूल दूषित करने का कार्य किया था, वे आज उपद्रवियों पर होने वाली कार्रवाई पर हमसे जवाब तलब करने का प्रयास कर रहे हैं। यही तो अभिभाषण की शुरुआत में महामहिम राज्यपाल जी ने कहा था कि हमारी सरकार राम राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राम राज्य तुलसीदास जी ने तो बहुत स्पष्ट किया है, और राम राज्य कोई धार्मिक राज्य नहीं है। राम राज्य की परिभाषा बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने इसके माध्यम से स्पष्ट भी किया, और यही उल्लेख किया गया कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहूं प्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत सुति नीति। यानी हर प्रकार के दुखों, चाहे वह आदि दैविक हो, आदि भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, इन तीनों प्रकार के दुखों से सर्वथा मुक्ति का उपाय एक किसी भी लोक कल्याणकारी शासन का दायित्व बनता है, और हमने इस दायित्व को ही धर्म के साथ जोड़ा है। यही दायित्व, यही कर्तव्य हमारे लिए धर्म है, कोई उपासना विधि नहीं। सिर पे टोपी पहन देने से धर्म नहीं हो जाता है। हमने धर्म को कर्तव्य के साथ जोड़ करके देखा है, दायित्व के साथ जोड़ करके देखा है, और इसीलिए तो तुलसीदास जी ने बात भी कही थी कि यह प्रसंग जाने हो को यानी कोई कोई ही जान पाएगा इस प्रसंग को, हर व्यक्ति की समझ से बाहर है। हर व्यक्ति समझ भी नहीं पाएगा कि वास्तव में राम राज्य है क्या। आखिर जिस कार्य के लिए 1990 में राम भक्त अयोध्या में जा रहे थे, जिन राम भक्तों को गोली मारी गई थी, जो लोग कहते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आखिर उन राम भक्तों की बात को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने मोहर लगाई ना। अयोध्या में वर्षों से दबी हुई उन भावनाओं को एक मंच मिला, और इस मंच के माध्यम से चीजें सामने आई हैं कि वास्तव में भारत का लोकतंत्र दुनिया का एक सशक्त लोकतंत्र है, और इसने भारत के लोकतंत्र की ताकत का एहसास भी कराया है, और भारत की न्यायपालिका की ताकत का भी एहसास कराया है। सचमुच 30 अक्टूबर 2090 और 2 नवंबर 2090 को परिंदा ने लाखों राम भक्त अयोध्या में थे, लेकिन यह सचमुच 9 नवंबर 2019 को साबित हुआ है कि परिंदा भी कहीं कानून व्यवस्था में पर नहीं मार सकता है। तो उत्तर प्रदेश ने 9 नवंबर 2019 को साबित किया है। इस देश की विजय है जो राम भक्त अयोध्या में राम मंदिर की मांग कर रहे थे वे सही थे, और जो गोली चलाने वाले थे वे गलत थे, ये साबित हुआ है।
जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाना उचित मानते हैं और आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते हैं, इनसे पूछा जाना चाहिए आखिर अयोध्या में राम भक्तों पर, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला हुआ था। तत्कालीन फैजाबाद जनपद जो आज का अयोध्या जनपद है, यहां की कचहरी में, लखनऊ की कचहरी में, वाराणसी की कचहरियों पर हमले हुए थे, आतंकी हमले हुए थे। संकट मोचन मंदिर काशी में आतंकी हमला हुआ था, बम विस्फोट हुए थे, गोरखपुर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। वे चेहरे कौन थे जो इन आतंकवादियों और इन देशद्रोहियों के साथ अपना संबंध जोड़ करके के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किए थे और उसी ढर्रे को अपनाना चाहते हैं? जो लोग कानून को रौंदने का कार्य करते हैं उनकी पैरवी मुझे ताजुब होता है। यानी जब मैं देखता हूं कि जानते हुए 19 दिसंबर 2019, महोदय हम लोगों ने पहले से ही इस बारे में स्पष्ट किया है कि लोकतांत्रिक तरीके से होने वाले किसी भी आंदोलन को हम समर्थन देंगे, उसको पूरी स्वतंत्रता देंगे, पूरी सुरक्षा देंगे, लेकिन लोकतंत्र की आड़ लेकर के अगर कोई कानून की ध्वजियां उड़ाएगा, निर्दोष लोगों पर हमला करेगा, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, या फिर वह व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लूटपाट और आगजनी की घटना को अंजाम देगा, तो फिर वह जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसको समझाएंगे भी। महोदय 19 दिसंबर 2019 को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के साथ साथ ऐसे संगठन भी इस पूरे बंदी और महाबंदी में शामिल हुए थे जो भारत के संविधान में विश्वास नहीं करते, जो सुरक्षा को तार तार करना चाहते हैं, जो संविधान की आड़ लेकर के और तिरंगे की आड़ लेकर के पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं, जिनकी फंडिंग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक संकेत कर रहा है, टेरर फंडिंग है, और उन लोगों के प्रति हमारे विपक्ष के मित्रों की सहानुभूति, ये सहानुभूति हमारे माननीय दलीय नेताओं की, विपक्ष में बैठे हुए नेताओं की सहानुभूति इस प्रदेश के गरीब के प्रति, इस देश के, प्रदेश के नौजवान के प्रति, प्रदेश की महिलाओं के प्रति, प्रदेश के किसान के प्रति होती, हमें प्रसन्नता होती है, लेकिन इनका उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। क्योंकि जब गांधी जी की 150वीं जयंती पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर 36 घंटे की चर्चा दलीय नेताओं की बैठक के बाद सहमति के आधार पर इस सदन ने प्रारंभ की, तो विपक्ष यहां से वॉकआउट कर गया था। यानी उनका गरीबों की शिक्षा के प्रति कोई सहानुभूति नहीं, चिकित्सा के प्रति कोई सहानुभूति नहीं, किसानों का विकास हो, उनकी आय दुगनी हो, इसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं, नौजवान रोजगार और आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर होता हो इसके बारे में उनकी कोई सहानुभूति नहीं, प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दिशा में हम कुछ प्रयास कर सकें, आखिर जिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर हमने चर्चा की थी वे तो सब प्रदेश के गरीबों के लिए था, महिलाओं के लिए था, प्रदेश के विकास के लिए था, बुनियादी सुविधाओं के लिए था। अगर विपक्ष की सहानुभूति सचमुच प्रदेश के 23 करोड़ जनता के प्रति होता तो लोग हाउस से बहिर्गमन नहीं करते, नहीं करते, इस सदन में उन सभी सदस्यों की तरह वे भी चर्चा करते, पूरा सदन यहां बैठा था, 36 घंटों तक चर्चा करता रहा, और 36 घंटों के बाद चर्चा के बाद भी जब आपने इस बात को कहा कि भाई 36 घंटे की चर्चा तय है, अब हम लोग इसमें जवाब चाहते हैं, इस कार्यक्रम को अब इसके साथ ही समेटना चाहिए, अन्यथा मेरा मानना था कि 36 घंटे और इस सदन में बैठे हुए सभी मान्य सदस्य इस चर्चा को आगे बढ़ा सकते थे, हर सदस्य बोल सकता था, और मैं बहुत आभारी हूं उन सभी मान्य सदस्यों का
कितने अच्छे अच्छे और कितनी सार्थक बहस हुई थी, कितनी गंभीर चर्चा हुई थी। सदन के सही मायने 2 अक्टूबर 2019 और 3 अक्टूबर 2019 को देखने को मिला था कि वास्तव में देश की विधानमंडल में और देश की संसद में किस प्रकार की चर्चा होनी चाहिए थी, उसकी गवाह उत्तर प्रदेश का यह विधानसभा बनी थी, उत्तर प्रदेश विधानमंडल बना था। तब विपक्ष के हमारे माननीय नेतागण यहां से बहिर्गमन कर गए थे, वहां पर भी थोड़ा स्वाभिमानी जो लोग थे उन्होंने कहा नहीं, हम चर्चा में भाग लेंगे, क्योंकि गरीब का प्रश्न था, प्रदेश का प्रश्न था, वो लोग भाग लिए, मैं धन्यवाद दूंगा उनको। लेकिन बाकी हर एक चीज में उनकी सहानुभूति उनके प्रति, गरीबों के प्रति नहीं, किसानों के प्रति नहीं, नौजवानों के प्रति नहीं, महिलाओं के प्रति नहीं है, और किसी भी ऐसे ठोस मुद्दे पर कभी भी वे लोग सार्थक चर्चा करने को तैयार नहीं, उस पर बहस करने को तैयार नहीं, तर्क संगत तरीके से किसी बहस को आगे बढ़ाने को तैयार नहीं, तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने की बात। अभी मैं सोच रहा था जब यहां पर संसदीय कार्य मंत्री ने इस बात को कहा, महोदय मैं पूरे डंके की चोट पे कह सकता हूं, प्रदेश के अंदर 2.5 लाख से अधिक नियुक्तियां हुई हैं और 2.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों में आरक्षण का पूरी तरह पालन किया गया है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति और उन सभी वर्गों को पूरा सम्मान दिया गया है जिन्हें इस व्यवस्था का लाभ मिलना चाहिए। यही नहीं, हमने मेडिकल और हम लोगों ने तो अन्य तकनीकी संस्थानों में भी इस सुविधा का लाभ दिया है। 10% आरक्षण जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले उन लोगों को भी हम लोगों ने इस आरक्षण की लाभ की सुविधा उपलब्ध कराई है, जो पूरे देश ने स्वीकार किया है और वो लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर समान रूप से किया जा रहा है। कोई एक व्यक्ति बंधक नहीं बना सकता इसके नाम पर, किसी को, किसी गरीब की, किसी पिछड़े की, किसी अनुसूचित जाति जनजाति या किसी भी उस समुदाय के व्यक्ति को जो संविधान के द्वारा प्रदत्त उसका अधिकार है और जिसे संसद ने मोहर लगाई है, कोई उससे वंचित नहीं कर सकता है और कोई किसी को हम इसकी इजाजत भी नहीं देंगे। छात्रवृत्ति की बात करते हैं, पिछले महोदय इस वर्ष हम लोगों ने अभी 26 जनवरी को 56 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित की, 56 लाख छात्रों को एक साथ छात्रवृत्ति दी गई और 56 लाख में से 28 लाख बच्चे पिछड़ी जाति के हैं। कुछ जो बच्चे बचे हैं हमने स्पष्ट कहा है कि इन सभी की भी छात्रवृत्ति की व्यवस्था, अतिरिक्त पैसा दिया जाए और पैसा देकर के उनकी छात्रवृत्ति की प्रतिपूर्ति भी, उसको जो भी बचे हैं उन सभी बच्चों को देने की व्यवस्था विलंब करने की तैयारी करें। हमने देना प्रारंभ किया, लेकिन सपा बसपा की सरकार में क्या हो रहा था, सपा की सरकार आती थी तो अनुसूचित जाति जनजाति का रोकती थी, बसपा की आती थी वो पिछड़ी जाति की रोक देती थी, ये प्रतिस्पर्धा चलती थी, लेकिन पिसता कौन था, प्रदेश का गरीब बच्चा पिसता था, प्रदेश का नौजवान पिसता था, इनकी आपसी लड़ाई में यहां का नौजवान पिसता था, हमारा छात्र पिसता था। इसलिए इसके बारे में ये लोग हमें नहीं बताएंगे, इसके बारे में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भारत के प्रत्येक नागरिक का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है और इसलिए इसके बारे में हमें ये लोग सीख न दें तो अच्छा होगा, अन्यथा जब परत दर परत खुलती जाएगी तो बहुत सारे चेहरे हमाम में नंगे हैं वाली स्थिति सामने आ जाएगी और अच्छा होगा कि हमें वहां तक जाने की इजाजत भी न दी जाए और उसको वहीं तक रोका जाए, उन संवैधानिक मर्यादाओं का पालन किया जाए जो आवश्यक है। हम जान रहे हैं कहां पर किसकी क्या स्थिति है, इसके बारे में बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए मैं इस बारे में बहुत उसके साथ कहूंगा कि सरकार किसी भी प्रदेश के नागरिक के साथ अन्याय नहीं होने देगी, किसी के साथ नहीं। हमने इस बात को सीखा है कि दल से बड़ा देश होता है, हम उस परंपरा को मानने वाले लोग हैं, हमने सत्ता को साध्य नहीं माना है, एक साधन माना है और साधन लोक कल्याण का माध्यम बनाने के लिए माना है, ये हमारे लिए साध्य नहीं हो सकता है,
ये अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता कि सत्ता प्राप्त कर लिया, लेकिन वर्षों से दबी हुई उन भावनाओं को एक मंजिल देना, उसको उस मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता देना, ये सरकार का दायित्व है और सरकार इस कार्य को कर रही है। क्या कर रहे थे आप? सपा को, बसपा को, कांग्रेस को, सबको मौका मिला। विपक्ष में बैठे हुए जो चारों दलीय नेतागण हैं, इनको पूछा जाना चाहिए, सबको किसी न किसी रूप में सत्ता में तो भागीदारी थी। किसी को जनता ने हटाया, किसी को सरकार ने हटाया, लेकिन सभी को मौका मिला था। कोई ये नहीं कह सकता कि हम सत्ता में नहीं थे, लेकिन रहने के दौरान क्या किए हम तो बोल सकते हैं, हम दावे के साथ कह सकते हैं। और मैं अगर उन आंकड़ों में आता हूं तो फिर वे आंकड़े, और मैं इन आंकड़ों के साथ आप सबको बहस के लिए चुनौती देता हूं। आप इन आंकड़ों को नोट करिए, बजट पे चर्चा होगी, चर्चा के दौरान इस पर बहस करिए, लेकिन 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 किसी भी मुद्दे का तार्किक समाधान निकलना चाहिए, बहस तर्कसंगत होनी चाहिए, तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। बहस का मुद्दा गाली गलौज के स्तर पर नहीं उतरना चाहिए। अपनी उस पर पार्टी के अनुसार मत उतारिए, जब आप इस हाउस को लौहलुहान करते थे उसके अनुसार मत करिए, जब आप लोग सदन और संविधान की मर्यादाओं को तार तार करते थे। आखिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किस बात का विरोध है? इस पे कौन सा विरोध है? आखिर कोई एक बात तो बोले कि कौन सी चीज इसमें गलत है। ये कानून भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया, ये कानून भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया, ये 1955 में बना कानून है। 1955 में कानून बना था, नेहरू लियाकत पैक्ट के अनुसार एक कानून बाद में बनाया गया। देश की दुखद विभाजन की त्रासदी से कौन ऐसा भारतीय है जो वास्तव में उस समय पीड़ित न हुआ हो? कौन ऐसा भारतीय है जिसके मन में पीड़ा नहीं कि हजारों वर्षों से जो इस देश एक था उस देश को दो टुकड़ों में बांट दिया गया 1947 में? कौन इस बात को, कौन भारत, कौन ऐसा सच्चा भारतीय होगा जिसको विभाजन की त्रासदी की पीड़ा ना हो? लेकिन उस सब के बावजूद सत्ता स्वार्थ के लिए हम देश का विभाजन करवा दे, इससे निम्न स्तरीय हरकत दूसरी हो नहीं सकती। और 1947 में यही हुआ था इस देश के साथ। महोदय, मैं फिर इस सदन में रखना चाहता हूं और अपने विपक्ष के मित्रों को भी, जो जाति जाति की रट लगाते हैं ना, इनको भी मैं बताना चाहता हूं, आजादी की लड़ाई में दो दलित नेता इस देश के अंदर थे, एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरा श्री जोगेंद्रनाथ मंडल। ये दो नेता थे, नेता प्रतिपक्ष में आप कहना चाहूंगा, नोट करें और इसको, इन दोनों की कथा को सुने, क्योंकि उम्र के साथ आपको प्रवचन सुनने का अभ्यास हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है और एक अच्छी शुरुआत है। प्रवचन सुनता भी ठीक से हूं नहीं, मैं आपके पूरे भाषण के दौरान बैठा रहा, और मैं इसलिए बैठा रहा कि भाई एक तो आप बलिया के हैं और बीच में कहीं ऐसा ना हो कि हमारे यहां से सुरेंद्र सिंह उठ खड़े हो जाए, तो इसलिए मैंने कहा मैं स्वयं ही यहां बैठे रहता हूं, तो मैं इसलिए बैठा रहा कि नहीं, मैं पिछली बार नहीं बैठ पाया था, इसलिए इस बार मैं स्वयं ही आपके लिए बैठूंगा। लेकिन हमें इन चीजों को जानना पड़ेगा। देखिए, सत्ताएं आएंगी जाएंगी, महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण देश है। इस देश से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है, और इसलिए इन दो नेताओं की कथा को हर भारतवासी को सुनना चाहिए और तब सीए पर अपना जवाब भी तलाशना चाहिए।
1946 में जब नेशनल असेंबली के इलेक्शन हो रहे थे तो कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मुंबई सीट से हरवा दिया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हारे तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोलकाता से अपनी सीट छोड़ने वाले कोई नेता थे 1946 में तो वह थे जोगिंद्रनाथ मंडल। 1940 के दशक में देश के अंदर दलितों वंचितों और केवल देश ही नहीं दुनिया की ये आवाज बने थे दोनों नेता। लेकिन 1946 में एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को प्रलोभन दिए जा रहे थे, किसने नहीं दिया, जिन्ना ने दिया, हैदराबाद के निजाम ने दिया, जूनागढ़ के नवाब ने दिया, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उन्होंने कभी अपने मुद्दे से टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा था कि मैं जानता हूं कि भारत के दलितों और वंचितों का हित कहां सुरक्षित है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था। और उन्होंने पाकिस्तान बनाने का विरोध किया था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पाकिस्तान बनाने का विरोध किए थे, पुरजोर विरोध किया था। लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल जिन्ना के बहकावे में आ गए, देश विभाजन का समर्थन कर दिए, पाकिस्तान चले गए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आजाद भारत में भारत के कानून मंत्री बनते हैं, जोगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान के कानून मंत्री बन जाते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के शिल्पी बने और 1950 आते आते श्री जोगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान में दलितों पर, हिंदुओं पर, सिखों पर होने वाले अत्याचार से इतने व्यथित हो गए कि महोदय अक्टूबर 1950 को वे वापस भारत भाग के आ गए और कोलकाता में आकर के एक शरणार्थी का जीवन यापन करने लग गए। 1950 से लेकर के 1966 तक जोगेंद्रनाथ मंडल गुमनाम जीवन जिए भारत के अंदर और अंत में उनकी गुमनाम मौत हो गई। कोई जोगेंद्रनाथ मंडल के बारे में वर्तमान की कोई पीढ़ी नहीं जानती होगी, कोई नहीं जानती। देश के साथ गद्दारी करने वालों को इसी प्रकार की गुमनाम मौत मरनी पड़ती है। और दूसरी तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के शिल्पी बने, भारत के अंदर किसी भी राष्ट्रीय नेता के इतने स्मारक और इतने स्थल नहीं होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए 5 स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में भी विकसित कर दिया। मऊ छावनी मध्य प्रदेश जहां उनका जन्म हुआ भव्य स्मारक बना है बाबा साहब का। इंग्लैंड में रहकर के जिस भवन में रहकर के उन्होंने उच्च शिक्षा अर्जित की, भारत सरकार और महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार ने उस भवन को खरीदा, अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को वहां जाने की व्यवस्था, स्कॉलरशिप की व्यवस्था, कॉर्पस फंड बनाकर के उनके लिए वहां पर व्यवस्था की और वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक इंग्लैंड में बनवाया। दिल्ली में जिस भवन में रहकर के उन्होंने सार्वजनिक जीवन अपना जिया वहां पर एक इंटरनेशनल अंबेडकर स्मारक वहां पर भी भव्य स्मारक बना है। कभी जाकर के देखें लोग, इनकी आंखें चौधिया जाएंगे। नागपुर में उनकी दीक्षा भूमि भव्य स्मारक और उनका चैत्य भूमि मुंबई में भव्य स्मारक विकसित हो रहा है। ये है सम्मान। और यही नहीं, स्वतंत्र भारत ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करके भारत रत्न की। ये है दो लोगों की कथा, एक राष्ट्रपुत्र बनकर के भारत रत्न बना और एक ने देश के साथ गद्दारी की, गुमनाम मौत मरा। अब तय कर लें कौन क्या करना चाहता है। सीए के खिलाफ हुई हिंसा, हमें एक बार फिर से इस बारे में सोचने के लिए मजबूर करती है।
और महोदय इसलिए भी मजबूर करती है, यह हर व्यक्ति जानता है कि इस पूरे आंदोलन की आड़ में जो लोग पीछे से हिंसा कर रहे थे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन लोगों ने कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण पाया है उस राजनीतिक दलों में, और फिर उसकी आड़ में उन्होंने हिंसा दी है। हर एक उस पर, महोदय मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं, 15 दिसंबर को जब जामिया मिलिया में हिंसा हुई, जैसे ही हिंसा की खबर आई मैंने तत्काल अलीगढ़ के प्रशासन को अलर्ट किया। मैंने कहा देखो जामिया में कोई हिंसा हुई है, आप लोग वहां पर एक बार देखिए एएमयू में क्या हो रहा है। 15,000 छात्र सड़क पर उतर करके वे अलीगढ़ को जलाना चाहते थे, एक हिंसक कुछ लोगों की घुसपैठ उसके माध्यम से करके, फोर्स वहां पे थी, बाहर थी, फोर्स अंदर नहीं गई, और डीआईजी को चोट लगी, तमाम पुलिसकर्मी घायल हुए, अंदर से पहले पत्थर फेंके गए, फिर पेट्रोल बम फेंके गए, फिर अवैध असलों से हमला किया गया। उस सब के बावजूद पुलिस ने धैर्य का परिचय दिया, और पुलिस तब तक कैंपस में नहीं गई जब तक कुलपति ने लिखित रूप से कैंपस के अंदर फोर्स को नहीं बुलाया, लेकिन कहीं कोई हताहत नहीं हुआ, पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा था। अलीगढ़ पूरी तरह सुरक्षित है और सुरक्षित आज आगे रहेगा। यानी अगर कोई अच्छा काम कर रहा है हम उसकी सराहना भी नहीं करेंगे। हमने इससे पहले आंदोलन ये बंदी के पहले सबसे संवाद बनाया था प्रशासन में, प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी हो, डीजीपी हो, एसीएस होम हो, सेक्रेटरी होम हो, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हो, जोनल एडीजी हो, रेंज स्तर पर आईजी डीआईजी या जनपद स्तर पर एसएसपी एसपी डीएम या फिर कमिश्नर स्तर पर कमिश्नर, ये जितने अधिकारी थे, यहां तक कि थाना स्तर और तहसील स्तर पर तैनात जो हमारे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हैं या एसटीएम हैं, इन सब ने, सभी स्तर के अधिकारियों ने अलग अलग लोगों के साथ संवाद बनाकर सबसे कहा कि भाई देखो लोकतांत्रिक तरीके से आप लोग अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, ज्ञापन दे सकते हैं, लेकिन आगजनी मत करना, तोड़फोड़ मत करना। हाँ, 144 लागू थी और ये 9 नवंबर के पहले भी थी, समय समय पर लागू भी की गई। जो परमिशन लेता है, परंपरागत पर्व त्योहार इस दौरान हुए हैं, धारा 144 उस पर लागू नहीं होती। और इसके बाद बार बार कहने के बावजूद सरेआम किस प्रकार से प्रायोजित तरीके से ये सारे किए गए, किस प्रकार से किया जा रहा है, यानी मुझे आश्चर्य होता है। यानी मैं अब तक तो ये सोचता था कि अपराधी भी अपने पुत्र और पुत्री को अपराधी नहीं बनाना चाहता, लेकिन यहां बड़े बड़े राजनेता अपने पुत्रियों को भेजते हैं उन लोगों के बीच में जो भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं आचरण कहां ले जाना चाहते हैं, हम देश को कहां है देश को ले जाना चाहते हैं, कैसे पीढ़ी हम देना चाहते हैं देश को, कैसी वारदातें हम करवाना चाहते हैं जो भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हो। आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं, कैसी आजादी, यानी किस प्रकार की आजादी के नारे लगाए जा रहे थे। और भाइयों बहनों, हमें इन्हीं चीजों को देखना होगा, क्या जिन्ना के सपने को साकार करना है या बापू के सपने को साकार करना है, तय करना होगा। महोदय जो 19 और 20 दिसंबर को हिंसा हुई, पुलिस और प्रशासन के कार्यों की तारीफ की जानी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ। और इसलिए भाई अगर कोई मरने के लिए आ ही रहा है तो जिंदा कहां से हो जाएगा। लेकिन पुलिस की गोली से कोई नहीं मरा, जो मरे हैं उपद्रवी उपद्रवियों की ही गोली से मरे हैं। ठीक बात है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
बाधा ना डाली, बातचीत ना करी। अगर कोई व्यक्ति किसी निर्दोष को मारने के लिए निकला है अवैध असला लेकर के और वह चाहता है कि मैं किसी निर्दोष को शिकार बना दूं, किसी व्यापारी को शिकार बना दूं और वह पुलिस की चपेट में आता है, तो भाई या तो पुलिस का कर्मी मरे या फिर वो मरे, दोनों में से किसी को तो मरना हो ना, किसी को तो मरना होगा। लेकिन एक भी मामले में पुलिस की गोली से कोई नहीं मरा है, ये उपद्रवी आपसी उसमें मरे गए हैं और एक बहुत बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश इसके साथ होता है। महोदय, पीएफआई का बहुत बड़ा टेरर फंडिंग का ट्रांजैक्शन का खुलासा भी होता है इसके साथ। ये पीएफआई क्या हमारा देसी है क्या? ये सीमी जैसे संगठन का परिवर्तित नाम है पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। और इन उपद्रवियों के साथ किसी प्रकार की सहानुभूति का मतलब सीमी और पीएफआई के साथ सहानुभूति ये कभी नहीं करना चाहिए। मत बनिए, जोगिंद्रनाथ मंडल बनने का गलती मत करिए। यह देश है और यह देश रहेगा, लेकिन देश के साथ गद्दारी करने वाले लोगों के सामने गुमनाम मौत के सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, चिंता मत करो। और महोदय, इसलिए मैं जानना चाहता हूं, इसलिए मैं अपने नेता प्रतिपक्ष और हमारे जो दलीय नेता थे जिन्होंने यहां पर बड़े अच्छे संबोधन के माध्यम से यहां पर इस बात को, लेकिन मैं एक बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने राज्यपाल महोदय पे इस बार कागज के गोले नहीं मारे, कुछ तो परिवर्तन हुआ है। वर्षों की जकड़न को सुधारने में कुछ तो समय लगता है, ये सुधार की प्रक्रिया है, एक सुधार की एक नई प्रक्रिया का हिस्सा विपक्ष बना है। और मैं चाहूंगा कि अगली बार हमारा विपक्ष और अच्छा ठीक हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश के विकास में इनका सार्थक योगदान भी मिल पाएगा, बहुत अच्छा योगदान मिल पाएगा। महोदय, हम सबको इस बात के लिए गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि प्रदेश आज एक सही दिशा की ओर बढ़ रहा है, बहुत अच्छी दिशा में बढ़ रहा है। और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में जो कार्य हुए हैं, स्वाभाविक रूप से राज्यपाल महोदय को इन सब चीजों को कहना ही चाहिए, क्योंकि वह सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ भावी योजनाओं के बारे में बताती है। और महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण के माध्यम से, सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को यही सब बातें बताई कि भाई हमारी सरकार अच्छा कार्य कर रही है, अच्छा कार्य नहीं करती तो मैं जानना चाहता हूं कि फिर सरकार को जो तमाम प्रकार के पुरस्कार प्राप्त हुए हैं ये पहले क्यों नहीं मिलते, 17 के पहले क्यों नहीं मिलते थे? 17 के पहले तो प्रदेश सबसे पीछे पायदान पर था, सबसे पीछे पायदान पर था। आखिर ये जो परिवर्तन 17 के बाद से हुआ है उसमें एक अच्छे विपक्ष के रूप में आपकी भूमिका है, भगवान चाहे आपकी मनोकामनाएं विपक्ष में रहने की पूरी होती रहे हमेशा। लेकिन सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति मनोयोग से काम किया, उसका परिणाम है कि महोदय 2017-18 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत 2 पुरस्कार, मनरेगा के तहत 1 पुरस्कार, एनआईआरडी के अंतर्गत 1 पुरस्कार प्रदेश को प्राप्त होता है। 18-19 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 9, मनरेगा के अंतर्गत 7, रूरल अर्बन मिशन में 2, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में 1, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के पुरस्कार उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं।
अब महिला सशक्तिकरण की बात लोग करते थे, मातृ मृत्यु दर को 30% कम करने में प्रदेश सरकार ने जो सफलता प्राप्त की है उसमें भी भारत सरकार का अवार्ड उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ। पोषण माह में उत्कृष्ट कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश को सोशल मीडिया कैटेगरी में भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के द्वारा महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है और दिव्यांगजन सशक्तिकरण में भी 2 राष्ट्रीय पुरस्कार उत्तर प्रदेश को प्राप्त होते हैं। ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल में जेम टॉप बायर पुरस्कार उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है। 19-20 में स्वच्छ सर्वेक्षण 19 में राष्ट्रीय स्तर पर हमारे 14 निकाय सम्मानित होते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में राज्यों की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का 10वां स्थान, जबकि इससे पहले यह 23वें नंबर पर था। सर्वाधिक तिलहन उत्पादन के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार उपलब्ध होता है। देश में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदेश को पुरस्कार उपलब्ध कराया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद को सम्मानित किया जाता है और प्रदेश के अंदर ही सेक्स रेशियो में एक संतुलन बनाए रखने में जो अच्छा काम उत्कृष्ट कार्य इटावा जनपद ने किया है उस जनपद को इसका सम्मान मिला। वन स्टॉप सेंटर को महिला सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर नारी शक्ति पुरस्कार प्राप्त होता है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2018-19 के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा लागू डिजिटल भूमिका स्वर्ण पुरस्कार उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है। सौभाग्य योजना में सर्वाधिक विद्युत संयोजन उपलब्ध करवाने में उत्तर प्रदेश सरकार को पुरस्कार प्राप्त होता है और दिव्यांग जन सशक्तिकरण के कार्यक्रम में 3 राष्ट्रीय पुरस्कार भी उत्तर प्रदेश को इस वर्ष उपलब्ध हुए। माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल का जो पुरस्कार है भारत सरकार का, यह भी उत्तर प्रदेश को द्वितीय पुरस्कार उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है। यानी जो महामहिम राज्यपाल जी ने जिन क्षेत्रों में प्रदेश की उपलब्धियों को यहां पर बताया, मैं उसके साथ ही इन सब बातों को भी कह रहा था कि ये चीजें यहां पर हुई हैं। हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने कुछ नया किया है और वह प्रगति हर एक क्षेत्र में दिखती भी है, हर एक व्यक्ति स्वीकार करता है। उत्तर प्रदेश के बाहर जाइए आप वहां सपा बसपा या कांग्रेस के नेता के रूप में मत जाइए, आप वहां पर एक कॉमन मैन बनकर के जाइए, बातचीत करिए, लोग सम्मान देंगे उत्तर प्रदेश के नाम पर। इससे पहले जाते थे क्या होता था, लोग होटल में कमरा नहीं देते थे, यानी स्थिति बना दी गई थी, यानी एक भय, एक ऐसा भय, एक ऐसा होबा। आज आप जाइए उत्तर प्रदेश के नाम पर, देश के अंदर ही नहीं दुनिया के अंदर कहीं भी जाएंगे, यूपी का नाम बोलिए, हर व्यक्ति सम्मान के साथ आपके साथ बहुत अच्छा सम्मानजनक व्यवहार करेगा। प्रसेप्शन चेंज हुआ है और इसी प्रसेप्शन को बदलने के लिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कानून का राज होगा ये साबित किया है। नेता प्रतिपक्ष यहां पर परसों एक वो दे रहे थे, दिखा रहे थे NCERB का कि उनके आंकड़े क्या कहते हैं, यानी उत्तर प्रदेश में डकैती लूट हत्या का प्रयास, नकबजनी, बलात्कार, सील भंग, पास्को अधिनियम, महिला संबंधी अपराध, इन सब को लेकर के देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का कैसा पढ़ रहे थे। और मैं वही देखता हूँ ना कैसे तोड़ मोड़ करके प्रस्तुत करते हैं,
देख के कभी कभी आश्चर्य होता है। एक उम्र के बाद व्यक्ति को सच बोलने की आदत डाल देनी चाहिए। और महोदय मैं देख रहा था, यानी क्राइम रेट जो उत्तर प्रदेश का दिखा रहा है नेशनल क्राइम ब्यूरो, और कहता है कि उत्तर प्रदेश डकैती के मामले में 31वें स्थान पर है, यानी 30 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां डकैती की घटनाएं उत्तर प्रदेश से ज्यादा हो रही है, लेकिन उसको एप्रिशिएट करने के लिए कह रहे हैं कि इतना ज्यादा अपराध हो गया है। इसको लेकर के इस प्रकार का हैदोबा मचाए हैं। अरे ये तो हम लोगों ने उसको कंट्रोल किया है, और कंट्रोल नहीं करते तो जिसको आप लोग सम्मानित करते थे वे अपने गलियों में तख्ती लगा करके घूमते नहीं कि भैया आप ठेला लगाकर कस लेंगे, लेकिन हमें जान बकस लीजिए। ये वैसे ही नहीं हुआ है, आदत सुधारने के लिए थोड़ा बहुत तो एक माहौल देना पड़ता है लोगों को, यज्ञ में आहुति देनी पड़ती है, और उस आहुति में तो हाँ सुहा होता ही होता है। महोदय अगर देखेंगे, अगर मैं 16 से तुलना कर लो, 2016 और 2019 के बीच में डकैती 59.7% कम हुआ है, लूट 47.09% कम हुआ है। हाँ, आपने अपनी बात बोल दी है, मैं आपकी बात सुनकर मैंने आपको इसलिए बता दिया ना कि आपने जो बोला था डकैती के मामले में, ये डकैती में क्राइम रेट यूपी का 0.1% है और 31वां स्थान देश का है। ये हमारे आंकड़े नहीं, भारत यानी नेशनल क्राइम ब्यूरो की अपने उनके आंकड़े हैं। 31वां स्थान उत्तर प्रदेश का, इसका मतलब 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से ज्यादा डकैती वहां पर है। ऐसे लूट का है, हत्या में 26वां स्थान है, 1.8 यूपी का है। 25 राज्य ऐसे हैं जहां पर अपराध उत्तर प्रदेश से ज्यादा है, और मैं इसीलिए आ रहा हूं, लूट 47.09% कम हुआ है 16 की तुलना में, हत्या 21.71% आया है, कम आया है, बलवा 27.20% कम हुआ है, रोड होल्डअप ये 100% कम हुआ है, फिरौती के लिए अपहरण 37.74% कम हुआ है, बलात्कार की घटनाओं में 17.90% कमी आई है, दहेज मृत्यु में 2.62% की कमी आई है, और इन्हीं सब को लेकर के ही तो प्रदेश सरकार ने स्मार्ट पुलिसिंग की परिकल्पना को आगे बढ़ाया है, जिसमें हम लोगों ने हर रेंज स्तर पर साइबर थाना, फॉरेंसिक लैब की स्थापना की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में हम लोगों ने पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू कर दी है, और बहुत अच्छे ढंग से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके 85,000 पुलिस के नए रिक्रूट भर्ती करके पारदर्शी तरीके से प्रदेश के नौजवानों को पुलिस में भर्ती का पूरा अवसर भी दिया। 54 कंपनी पीएसी की थी जिन्हें ये समाप्त कर चुके थे, हमने उसको बहाल किया, और 3 महिला पीएसी की कंपनियां अनिवार्य रूप से की है, महिला सशक्तिकरण भाषणों से नहीं होगा, महिला सशक्तिकरण वास्तविक धरातल पर जब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य होगा उससे सशक्तिकरण आएगा। और हमने इस बात को कहा कि पुलिस में जो भर्तियां हो 20% महिला रिक्रूट उसमें जाए, इसकी दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए। 3 महिला पीएसी वाहनियों का गठन भी सरकार कर रही है, इन तीनों को हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया है। और यही नहीं, अभी तो हम लोग केराना और कांधला के बीच में भी पीएसी का गठन करने जा रहे हैं, एक वाहनी का वहीं गठन करने जा रहे हैं, एक बिजनौर में भी करेंगे और एक संभल में भी करेंगे अभी।
अच्छे ढंग से करने जा रहे हैं। हैं? नहीं, बिजनौर आवश्यक है, हमारा बहुत महत्वपूर्ण जिला है। बलिया में तो मेडिकल कॉलेज देने जा रहे हैं, चिंता मत करिए। हमने बिजनौर कोई मेडिकल कॉलेज दिया है, हमने वहां भी दिया है, पूरे प्रदेश में मेरठ में आरआरटीएस दे रहे हैं, 32,000 करोड़ रुपए की। नेता प्रतिपक्ष इसलिए डांट रहे हैं कहीं वास्तविक चीज सत्य सामने ना आ जाए। 32,000 करोड़ रुपए का मेरठ में बैठिए, 45 मिनट में दिल्ली। बजट में पैसा भी दिया है, देखा ना आपने, तो कम से कम इसके लिए धन्यवाद कर दो भाई। अब तो बता दो कितनी अच्छी चीज मिल रही है। हर एक जिला को कुछ ना कुछ, हर एक जगह दिया जा रहा है, लेकिन समस्या यह है कि आप लोगों के विजन में विकास है ही नहीं, एजेंडे में विकास है ही नहीं। किसी को छीन नहीं रहे हैं, संभल भी हमारा ही राज्य का पार्ट है, एक जनपद है, इसलिए पीएसी वहां दे रहे हैं। सुरक्षा का माहौल पहले देंगे, फिर विकास उसके पीछे देंगे। अगले एक वर्ष के दौरान देखिए, आप देखेंगे 1947 से लेकर के 2016 तक भारतीय जनता पार्टी तो बहुत कम समय के लिए प्रदेश में सत्ता में रही है, बहुत कम समय के लिए रही है। हाँ, बहुत कम पीरियड, बहुत कम था। कहने के लिए तो मुलायम सिंह जी 4 बार यहां चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन पीरियड कम थे। ज्यादा समय कांग्रेस रही, सपा बसपा रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम अवसर मिला था प्रदेश के अंदर रहने का। लेकिन चलिए, आप इसको बहन जी के सामने एक बार बोल देंगे तो फिर सही पत्ते सामने आ जाएंगे। महोदय, आप देखें 1947 से लेकर 2016 तक कुल 12 मेडिकल कॉलेज प्रदेश के अंदर खुले थे गवर्नमेंट। वर्तमान में हम 28 मेडिकल कॉलेजेस पे काम कर रहे हैं गवर्नमेंट स्तर पर। इसी बजट में आपने देखा होगा 13 नए मेडिकल कॉलेजेस के लिए पैसे की व्यवस्था की गई है, और फैकल्टी की समस्या का समाधान हो इसके लिए हम लोगों ने एमसीआई के साथ मिलकर के एक बेहतर प्रयास किया है कि जो पीएमएस में जो तैनात डॉक्टर हैं उनके अनुभव के आधार पर भी हम उसको प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में उन्हें वहां पे मान्यता दे सकें, इसको भी दे सकें। आज के दिन पे हमारे 16 ऐसे जिले हैं जहां पर कोई सरकारी या निजी क्षेत्र का कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। हम उसके लिए भी पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं, और हमारा प्रयास है कि आगामी एक वर्ष के दौरान हम उन जनपदों में पीपीपी मोड में ही सही लेकिन एक मेडिकल कॉलेज जरूर दें। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, लेकिन हर जनपद में एक एक मेडिकल कॉलेज होगा, इस दिशा में सरकार ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया। इसलिए हमारे लिए सभी जनपद एक जैसे हैं। हमने तो देखिए, आपको तो इस बात से समझ जाना चाहिए कि सरकार के कार्य करने का तरीका क्या है। बिजली का ही था, आप 5 जनपद में देते थे, हम 75 में 75 में दे रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। कनेक्शन में हमने कोई भेदभाव नहीं किया। 1,25,00,000 से अधिक गरीबों को विद्युत के कनेक्शन दिए गए। इसके लिए विद्युतीकरण का इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हुआ, कहीं विद्युतीकरण की लाइन बिछाई गई, कहीं सब स्टेशन बनाए गए, कहीं फीडर चेंज किए गए, बहुत सारी चीजें उसमें हुई, लेकिन बिना भेदभाव के हुआ। हमारे लिए हमने जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर या किसी अन्य उसके आधार पर नहीं बांटा, मत और मजहब के आधार पर हम नहीं बांटते। हमें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ही बात बताई कि सबका साथ और सबका विकास, और सबका साथ
सबका विकास होगा तो सबका विश्वास भी होगा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सबके विश्वास का ही प्रतीक है और उसी दिशा में हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। महोदय, इसके अलावा पुलिस विभाग में और भी कार्य किए गए, जैसे महिला संबंधी अपराधों को रोकने के लिए 218 नए कोर्ट बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया, जिसमें 74 कोर्ट तो स्पेशली केवल स्पेसिफिक कोर्ट है, फास्ट ट्रैक कोर्ट पास्को संबंधी अपराधों की सुनवाई करने के लिए, और इस प्रक्रिया को तेजी से किया गया है। अगर हम इसको देखेंगे तो महिला संबंधी अपराधों को रोकने में इसके माध्यम से काफी मदद मिली है, क्योंकि इसके माध्यम से हम लोगों ने बड़ी संख्या में जिले स्तर पर एक समन्वय बनाते हुए हर जनपद स्तर पर हर महीने के लिए एक टारगेट फिक्स कर दिया गया कि बालिकाओं के साथ होने वाले अपराधों को समयबद्ध उसकी विवेचना करना और उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके अपराधी को सजा करवाना, प्रोसिक्यूशन को तेजी करते हुए तेज कर लेना, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। और इसका परिणाम है कि अकेले 2019 में 3 अपराधियों को मृत्यु दंड की सजा सुनवाई गई है उत्तर प्रदेश में। बड़ी संख्या में आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई है और अन्य अपराधियों को भी बहुत, जो भी कानून के दायरे में सख्त से सख्त सजा हो सकती थी उनको सजा दिलाई गई है। हमने उन नेताओं की तरह नहीं बोला है कि बच्चे हैं अपराध हो जाता है, गलती कर देते हैं, ये अक्षम्य अपराध है, इसको नहीं स्वीकार किया जा सकता है और इस पर लगातार कार्रवाई चल रही है। इसी में प्रदेश के अंदर अलग अलग प्रकार के थाने खोलने की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया गया और उस प्रक्रिया का हिस्सा बना करके इन चीजों को तेजी के साथ हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। महोदय, इसके अलावा उनकी अवस्थापना सुविधाओं के लिए भी कार्य हुआ है। पुलिस बैरक, पुलिस लाइन 7 जनपद बन गए थे, 10-10, 12-12 वर्ष हो गए थे, उन जनपदों में पुलिस लाइन नहीं थी। पुलिस लाइन के लिए जमीन खरीदना, वहां पर पुलिस लाइन बनाना, पुलिस कर्मियों के लिए वहां पर बैरक बनाना, आवासीय सुविधाएं देना, जिला मुख्यालयों को निर्का निर्माण करना, नए जनपद 8-8, 10-10 वर्ष हो चुके थे, निर्माण ही नहीं हो पा रहा, जिला मुख्यालय ही नहीं। सरकार आने के बाद इस प्रक्रिया को तेज किया गया और थाने, इसके अलावा जो पुलिस चौकियां हैं उनमें भी उनके लिए, पुलिस कर्मियों के लिए आवासीय सुविधा हो सके इसके लिए बैरक का निर्माण करना, ये सारी चीजें युद्ध स्तर पर की गई। प्रदेश के अंदर 30 नए अग्निशमन केंद्र भी इस दौरान बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। जहां पुलिस चौकी आवश्यक थी, जहां थाने आवश्यक थे, उन सब के लिए भी उस प्रकार की व्यवस्थाएं यहां पर देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर किया गया। देश के अंदर किसानों की समस्या के समाधान के लिए भी भारत सरकार ने जो कार्यक्रम प्रारंभ किए उसके साथ प्रदेश सरकार भी कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए पूरी तरह तत्पर है। देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मोदे 3 करोड़ में से 1,87,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर मिला है। और इसमें 11,690 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में सीधे गया है, यानी किसान कर्ज माफी से लेकर के किसान सम्मान निधि तक अगर आप आएंगे, बहुत बड़ा कार्य किसानों के लिए हुआ है। मृदा जो स्वास्थ्य कार्ड है, इसमें 3,70,00,000 किसानों को ये कार्ड उपलब्ध कराए गए और 1,11,00,000 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया है। गन्ने की बात हो रही थी, पिछले 18-19 वर्षों में प्रदेश के अंदर चीनी मिलों के बंदी की एक प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, 21 चीनी मिलें बंद हुई थी,
पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, आपका बस्ती, संत कबीर नगर, इधर मऊ, आजमगढ़, इधर बलिया, इन सभी क्षेत्रों को अगर आप देखेंगे, यानी गोरखपुर मंडल, गोरखपुर जो पुराना मंडल था, गोरखपुर बस्ती मंडल आज के दिन पर है, चीनी का कटोरा कहा जाता था। यहां का हर एक कस्बा किसी न किसी चीनी मिल पर आधारित था। हजारों नौजवान वहां नौकरी पाता था, रोजगार के साथ उनकी व्यवस्था जुड़ती थी। चीनी मिलें बेच दी गई, औने पौने दाम पे बेच दी गई, बंद कर दी गई। किसानों के पेट पे लात मारा गया वहां, तमाम चीनी मिलों को बंद करके। और आज मैं इस बात को कह सकता हूं, महोदय, हमने 3 साल बहुत चैलेंज, यानी बहुत चुनौतीपूर्ण झेले, बहुत चुनौतीपूर्ण वर्ष हमारे लिए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी का दाम एकदम कम था, हमारे देश के अंदर ही कुछ राज्यों से हमारी प्रतिस्पर्धा चल रही थी, लेकिन हम कहीं रुके नहीं, कहीं झुके नहीं। किसानों के हितों के साथ हमने खिलवाड़ नहीं होने दिया। हमने किसानों के लिए आवश्यकता पड़ी तो प्रदेश सरकार बढ़कर चढ़कर के आगे आई, और आज हम इस बात को कह सकते हैं प्रदेश के अंदर अब तक गन्ना मूल्य का भुगतान 88,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है। अगर 5 वर्ष का सपा या बसपा के कार्यकाल का आप देखेंगे तो यह कुल मिलाकर के दोनों को मिला दिया जाए तो ये मिलकर के तब 88,000 करोड़ मिलेगा, लेकिन अन्यथा इनका 5 वर्ष का देख लें और हमारी सरकार की केवल 3 वर्ष का भी देख लें तो भी हमारी सरकार की 3 वर्ष का कार्यकाल इन पर भारी पड़ता है, कई भारी पड़ता है। 88,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है और हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं इस बात को लेकर के आज के दिन पर। अब आगे फील्ड हमारे पास है क्योंकि वो पिच अब हमारे द्वारा बनाई जा चुकी है। बहुत सारे राज्य जो प्रतिस्पर्धा में थे उनकी आधी चीनी मिलें बंद हो चुकी हैं। हमने अपने यहां किसी चीनी मिल को बंद नहीं होने दिया, हमने उसको सपोर्ट किया, किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने दिया और आज वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में पहली बार हुआ जब 3 वर्षों में किसी किसान को अपने गन्ने के खेत में आग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमने कहा जब तक गन्ना किसी किसान के खेत में होगा चीनी मिलें चलेंगी और चलाई गई। क्रेशर और खांडसारी उद्योग में लाइसेंस के नाम पर उनसे मनमाना पैसा लिया जाता था, हमने उनसे मनमाना नहीं होने दिया। आज वो किसान खुशहाल है। हमने इथेनॉल में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ की और मैं तो उसके कितने अच्छे परिणाम आए हैं। आज प्रदेश देश का सबसे बड़ा इथेनॉल आपूर्ति कर्ता करता भी बन चुका है, यानी 126.10 करोड़ लीटर वार्षिक इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया के साथ हमने अपनी चीनी मिलों को जोड़ दिया है। यानी इसका पैसा सीधे सीधे किसानों को मिलेगा, किसान को एक गारंटी दे दे कि चीनी मिले अब आपका पैसा लेके भाग नहीं सकती है, एक प्रक्रिया के साथ जोड़ा है। महोदय, वैसे प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी 2017 के पहले तो नहीं थी। हमने धान के लिए, गेहूं के लिए, दलहन के लिए, तिलहन के लिए, मकई के लिए, आलू के लिए, इन सब के लिए प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी जारी की, समर्थन मूल्य से ज्यादा दाम किसान को देना प्रारंभ किया और इसी का परिणाम है कि 17-18 में हमने 42,90,000 टन धान का क्रय किया, 18-19 में 48.25 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे किसानों से किया और 19-20 में 53.47 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे सीधे किसानों से करने का कार्य प्रदेश सरकार ने किया है। समर्थन मूल्य से 20 रुपए अधिक हम लोग सीधे दे रहे हैं, पहले समर्थन मूल्य भी नहीं मिलता था, अब समर्थन मूल्य से अधिक दिया जा रहा है। ऐसे गेहूं में 17-18 में 36.99 लाख मीट्रिक टन, 18-19 में 52.93 लाख मीट्रिक टन, 19-20 में 37.04
लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय सीधे किसानों से किया गया। ऐसे ही तिलहन और दलहन के साथ भी प्रदेश के अंदर लगातार इसकी क्षमता बढ़ी है और ये कार्य प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रदेश के अंदर जो वर्षों से चल रही सिंचाई की परियोजनाएं थी, ध्यान ही कोई नहीं देता था। वहां लड़ाई किस बात को लेकर होती थी इन लोगों में, ठेके पट्टों को लेकर के, कि फलानी परियोजना का ठेका फलाना नेता लेगा, फलाने को लेकर के फलाना व्यक्ति करेगा, और सत्ता पक्ष इसी में उलझा रहता था, विकास प्रदेश का किसान तबाह होता था। आज सफलतापूर्वक जो योजनाएं हम लोगों ने अब तक लागू कर दी हैं, उनके साथ साथ आगे आने वाले समय में भी जिन योजनाओं को हम लोग ले रहे हैं, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, मध्य गंगा नहर परियोजना, ये जो इतनी ये परियोजनाएं चल रही हैं, अर्जुन सहायक परियोजनाएं, हमने पूरी धनराशि की व्यवस्था इसके लिए की है और हमारा प्रयास है कि समयबद्ध ढंग से इनको पूरा करते हुए हम प्रदेश के अंदर अन्य जितनी भी हमारी वर्षों से लंबित, दशकों से लंबित सिंचाई की परियोजनाएं थी, इन सभी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य हम लोगों ने किया है और हमारा प्रयास है कि इसे इस वित्तीय वर्ष या अगले वित्तीय वर्ष के अंत तक इन सभी परियोजनाओं को जब हम पूरा करेंगे, 20 लाख हेक्टेयर से अधिक लैंड को हम सिंचाई की क्षमता प्रदेश के अंदर देने जा रहे हैं। 20 लाख हेक्टेयर किसान की आमदनी अपने आप ही उससे कई गुना बढ़ेगी। ऐसे दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में मंडी समिति में जो आमूलचूल परिवर्तन करने का कार्य हुआ है, ये सभी प्रयास प्रदेश सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुए और उनको लेकर के प्रदेश सरकार ने पूरी मजबूती के साथ प्रदेश के अंदर इन कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य भी किया है। महोदय, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए शासन की योजनाओं का लाभ उसे मिलना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि का सबसे अच्छा जुड़ाव हो सकता है और प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर नीति आयोग ने देश के अंदर जिन 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का चयन किया था, उसमें 8 उत्तर प्रदेश के भी थे। ये आकांक्षात्मक जनपद जो एक सुनिश्चित पैरामीटर पर देश के एवरेज से काफी कम थे, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कृषि और जल संसाधन में, वित्तीय समावेशन में, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट में, इन्हें एवरेज तक लाना, फिर एवरेज से आगे बढ़ाने में सहायता देना। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के जो हमारे 8 जनपद थे महत्वाकांक्षी जनपद, जिन्हें 2018 में नीति आयोग ने एस्पिरेशनल घोषित किया, इनमें चित्रकूट, बलरामपुर, बहराइच, सोनभद्र, श्रावस्ती, चंदौली, सिद्धार्थनगर और फतेहपुर, ये 8 जनपद थे। और इसमें रैंकिंग में नीति आयोग ने 2019 में जब रैंकिंग अपनी दी, तो पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश का चंदौली जनपद नंबर 1 स्थान पर आया। दिसंबर 8 विधानसभा में सीएम योगी की तरफ से 5वें दिन तमाम मुद्दों पर अपनी बात और विपक्ष को जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों की बात करते हैं, लेकिन उनका भुगतान हुआ है 8800 करोड़ से ज्यादा का भुगतान गन्ना किसानों के हित में। तो पहले चीनी मिलों को बंद कर दिया गया था, तो विरोधियों को जवाब देते हुए तो किसान आज बहुत खुशहाल है। तो जिस तरह से चौथा बजट योगी सरकार की तरफ से पेश हुआ, उसके बाद विपक्ष की तरफ से कई सवाल जो है वो खड़े किए गए और उन्हीं सवालों का जवाब देते हुए हर मुद्दे पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया। हमारे 8 जनपद थे, हम 51 यानी केवल 2 अंकों का अंतर रहा, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि खुशहाल है, बिजली व्यवस्था में सुधार कर रहे हैं, हर एक वर्ग का
ध्यान रखा जा रहा है और हर एक क्षेत्र में काम किया जा रहा है, चाहे वो महिला सशक्तिकरण की ही क्यों ना बात हो। तो सच बोलने की आदत डाल लेनी चाहिए। तो इन तमाम बातों के जरिए जो नेता प्रतिपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे थे, उन्हीं का जवाब यहां पर देते हुए पांचवें दिन सदन की कार्यवाही में नजर आए। हालांकि इस दौरान काफी मजाकिया अंदाज भी सीएम योगी का देखने को मिला, जहां उन्होंने मुस्कुराते हुए विरोधियों पर तंज भी कसा। तो किसान आज बहुत खुशहाल है। तो और महोदय, प्रदेश की बालिकाओं के साथ हुए बर्बर और अमानवीय कृत्य को, जिसमें जिन लोगों ने ये कहा था कि बच्चों से गलती हो जाती है, वे लोग यहां पर प्रदेश में महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चला करके अयोध्या की मान्यता को ही धूल दूषित करने का कार्य किया था, वे आज उपद्रवियों पर होने वाली कार्रवाई पर हमसे जवाब तलब करने का प्रयास कर रहे हैं।